हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पिछला लेक्चर में हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताए हुए थे और आपको हम बोले हुए थे कि अगला लेक्चर से हम आपको एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.5 है उसी का सलूशन हम लोग देखेंगे। तो आज हम वही सलूशन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 का। और आपको एक बात पहले ही आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बहुत ही लंबा बनता है। तो आप लोग किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन देख के मत करिएगा। आपको पिछले पहले ही हम बता चुके हैं, बहुत सारा बार बता चुके हैं, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बन रही है, आपका हर एक क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा भी। थोड़ा सा समय दीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा भी और आपको समझ में भी आएगा। तो इसीलिए सेशन में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। कोई भी सेशन होता है उसको अंत तक देखिए और देखने के बाद आप लोग उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसको खुद से बनाइए, और नहीं बनता है तो फिर से उस देखिए, उस सेशन को देखिए। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यह सेशन समझ में आता है या सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का अगर जो प्रॉब्लम होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग कुछ जरूर लिख के भेजिए, समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अनुसार देखा जाए तो y इक्वल टू दिया हुआ है cos x * में कितना है cos 2x * में cos 3x। इसे पिछला लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि इसको हम चाहे तो u * v पर भी तोड़ सकते हैं, बट u * v पर नहीं तोड़ेंगे। इस चैप्टर का नाम ही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, हम इसमें लॉग लगा के तोड़ेंगे। क्या करेंगे, लॉग लगा के तोड़ेंगे। तो ये रहती सर डायरेक्ट तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन चलिए हम बोले दिक्कत है, डायरेक्ट तभी तोड़ेंगे जब उसमें दो ही टर्म रहता है। अगर यही दोनों टर्म रहता तब इसको यू मानते हैं, इसको भी मानते हैं, यू इनटू भी पर इसका डिफरेंशिएशन तोड़ देते हैं। बट यहां पे तीन वो टर्म है इसीलिए हम इसमें लॉ का यूज करेंगे, यू इनटू भी पर नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉ। टेकिंग ऑन बोथ साइड कितना लॉ, मतलब कहने का सेंस है दोनों तरफ कौन चीज लगाने पर लॉग लगाने पर, दोनों चीज दोनों तरफ हम लोग पहले लॉग लगाएंगे। तो लॉग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू में कितना हो जाएगा लॉग cos x sin 2 में कितना है cos 2x sin 2 में कितना है cos 3। कितना हो जाएगा log y इक्वल टू log cos x * में cos 2x * में कितना है cos 3। तो अब आगे बढ़िए, देखिए देखिए क्या हो जाएगा, जो समझिएगा log y इक्वल टू में कितना log कितना हो जाएगा cos x प्लस में फिर कितना हो जाएगा log कितना है cos 2x प्लस में कितना हो जाएगा log cos 3x। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लॉग का जो भी गुना वाला रहता है वह बदल जाता है आपको कथी में, जोर में। लॉग का जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है, जो गुना में रहता है वह बदल जाता है आपका जोर में। लॉग गुना वाला को बदल देता है जोर में, याद रखिएगा। अर्थात कहने का सेंस आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे लॉग एम इंटू एन बराबर क्या बताए थे लॉग एम प्लस लॉग एन। इस फॉर्मूला को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, लास्ट बार लिख चुके हैं, समझ रहे हैं। और अगर से मान लेते एम एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर एम एन रहेगा तो log m plus log भी हो जाता। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अब इसका differentiate कर दीजिएगा, तो differentiate with respect to कितना हो जाएगा x, लिखिएगा d log y by log को छोड़िएगा तो कितना हो जाएगा dy into में क्या लिखिएगा dy by dx। आगे बढ़िएगा तो लिखिएगा कितना d log cos x by चैन रूल आपको तोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो चैन रूल तोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, देख लीजिए समझिए d cos x फिर इनटू में क्या हो जाएगा d cos x by कितना लिख दीजिएगा dx लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। फिर आपको प्लस में हो जाएगा कितना d log कितना cos 2x by कितना d cos 2x गुने d cos 2x by d 2x गुने d 2x by dx है ना। अच्छा ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप और बचा हुआ था, प्लस फिर यहाँ क्या दिया तो d log कितना हो जाएगा cos 3x by d cos 3x है ना।
और गुने में कितना हो जाएगा d3x y कितना हो जाएगा d3x और गुने कितना d3x y कितना हो जाएगा t क्या है प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो मिटा देते हैं क्योंकि तब तक मिटाएंगे नहीं तब तक स्पेसेस यहां नहीं है तो मिटा देते हैं। आप लोग इतना पहले कंप्लीट कर दीजिए, कोई इसमें था ना कोई ज्यादा नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लिया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि लॉग के बेस में अगर जो कोई भी चीज नहीं रहता तो उसमें ई मान के चलते, क्या मान के चलते, ई मान के चलते। आपको पहले ही बता चुके हैं कई बार इस बात को जिक्र कर दिए हुए है कि अगर कोई भी चीज कोई भी लॉग होगा उस लॉग के बेस में अगर जो कुछ नहीं दिया रहेगा तो उसके बेस में आप कौन चीज मान के चलिए जो में बदल दीजिए। अब डिफरेंशिएशन करती है तो हम आपको बोले हुए थे जोर में रहता है तो अलग अलग इसको पढ़ ले फिर इसको हम सबको अलग अलग क्या कर दिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब फॉर्मूला जान लीजिएगा डिफरेंशिएशन का तो पहले यहाँ तक पहले मिटाइए, चलिए इसको भी हटाइए। चलिए समझिएगा, देखिए अब फिर देखिए क्या होगा आगे आप लोगों को बढ़िएगा तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by y into में कितना है dy बटा dx, 1 by y into में कितना हो जाएगा dy बटा dx log x के 1 by x तो हो जाएगा आपके पास कितना 1 by cos x cos का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन है ना, फिर log x के कितना 1 by x तो 1 by cos 2x है cos के कितना माइनस साइन 2x है 2x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को 2 हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा नहीं पता है तो देख लीजिए 2x है ना 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा x का डिफरेंशिएशन 1 कहने का मतलब 2 फिर यहां पे आ जाएगा तो log x के 1 by x तो 1 by cos 3x है cos के कितना माइनस साइन 3x है 3x के फिर कितना हो जाएगा 3x के कितना हो जाएगा अच्छा सॉरी यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया है ना इसको यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए ना एक स्टेप बढ़ चुका है देखिए तो कितना हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एक मिनट सॉरी यहाँ पे एक स्टेप मतलब चलिए देख लीजिए d cos 3x हो जाएगा कितना d cos 3x / कितना d 3x गुने कितना d 3x / dx होता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। तो इतना तक तो समझ में आ गया, अब देखिए समझिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए तो हो जाएगा आपके पास कितना 1 by y into में कितना है dy बटा dx minus sin by cos कितना हो जाएगा minus tan x फिर minus sin by cos minus tan 2x इस 2 को शुरू में ले आइएगा तो minus 2 tan 2x फिर हो जाएगा minus 3 tan 3x। हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है वैल्यू निकालना है dy बटा dx का तो लिख दीजिएगा इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू ey उधर जाएगा तो y इनटू में कितना माइनस tan x माइनस में कितना हो जाएगा 2 tan 2x माइनस में कितना 3 tan 3x ठीक है। अब देखिए समझिएगा अब देखिए आगे होगा क्या अब देखिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है क्या करेंगे माइनस को बाहर ले आएंगे मतलब कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई तो वाई के जगह पर जो वैल्यू है वो डाल दीजिए काहे लंबा उतना ले जाइएगा वाई के जगह पर जो वैल्यू था वो डाल दीजिएगा वाई का वैल्यू कितना था कॉस एक्स इंटू में कॉस टू एक्स इंटू में कॉस थ्री एक्स माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा टेन एक्स प्लस में कितना टू टेन एक्स प्लस में क्या बचेगा थ्री टेन थ्री एक्स यही आपका क्या हो गया क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा क्वेश्चन इसका जो भी बनेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है समझ रहे ना। आप लोग बेफिक्र बनाइए आप लोग एक से दो बार सेशन को देखिए और फिर उसके बाद अपने से बनाइए आपसे क्वेश्चन बनेगा हम आपको गारंटी देते हैं आपसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बनाइएगा बन जाएगा क्वेश्चन नहीं पहले इसका थ्योरी देखिए फॉर्मूला देखिए कॉन्सेप्ट देखिए फिर आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो बनेगा क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए
इसका आपका एक दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू x माइनस वन इंटू में कितना है x माइनस टू बाई x माइनस थ्री या इंटू में कितना है x माइनस फोर। y इक्वल टू क्या है x माइनस वन इंटू x माइनस टू, अब y में कितना x माइनस थ्री या इंटू में कितना x माइनस फोर। इस क्वेश्चन को हम आपको पिछला लेक्चर में हम आपको बैक जो है ना जो बैक लेक्चर था जो पीछे वाला जो लेक्चर था मेरा उस लेक्चर में हम आपको बताया हुआ है, समझ गए ना। तो आप उस लेक्चर को देखिए, उसका अगर से नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के सहायता से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी 5 से 10 मिनट टाइम खींच लेगा, तो क्यों टाइम बर्बाद करिए, क्वेश्चन हम आपको बताया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं तीसरा की तरफ। चलिए चलिए समझिए, देखिए हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए थ्री नंबर जो क्वेश्चन है, जो थ्री नंबर जो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा हुआ है, क्या कह रहा है उसको हम पहले देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो समझ लीजिए कि यह चैप्टर में हम लोग घुस चुके हैं, क्योंकि यह चैप्टर में अभी हम लोग आउट ही क्वेश्चन देख रहे थे, यह चैप्टर का मेन जो क्वेश्चन है वो थ्री नंबर क्वेश्चन है। और देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है जो समझ, y इक्वल टू लॉग x के पावर में क्या दे रखा है cos x। आज हम लोगों को पहले इसी पर मतलब डिस्कस कर देना चाहिए था, तब आपको हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि चलिए चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट आप लोग पहले इस क्वेश्चन पर डिस्कस कीजिए, इसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा, समझ रहे ना। तो चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते। देखिए आपको अभी चार टाइप का आपको फंक्शन पढ़ना है, जिसमें से आप तीन टाइप का पढ़ चुके हैं, चौथा टाइप का हम लोगों को पढ़ना है। देखिए जैसे अगर ये मान लेते हैं x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 का अगर ये चैनल अगर आप तोड़ते हैं तो पहले आप पावर को छोड़ते हैं, और पावर जो छोड़ते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट को छोड़ते हैं, वेरिएबल को कभी नहीं छोड़ते हैं। आप कॉन्स्टेंट को छोड़ते हैं तो बट्टा में क्या लिख देते हैं dx, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो हो जाता है 5x के पावर 4। अगर ये इसी तरह से अगर ये आप लिख देते अगर ये d5 के पावर 1 रहता तो फिर यहां पे मत समझ लीजिए कि हम पावर को छोड़ देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। यहां पे कौन चीज को छोड़ा जाता है, बेस को छोड़ा जाता है, क्यों, क्योंकि बेस क्या है कॉन्स्टेंट है। कई बार लिख देते हैं dx 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 5 के पावर x इनटू में कितना log 5। उसी तरह से अगर जो आपके पास 5 के पावर 5 रहता, क्या रहता 5 के पावर 5 रहता, तो यह तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि 5 के पावर 5 दीजिएगा तो यह कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा d5 के पावर 5 बट्टा में तो dx ही आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह कॉन्स्टेंट है। और आज हमको अहम चीज एक सीखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करना है कि अगर ये बाय चांस अगर ये x टू डी पावर x रहेगा, क्या रहेगा x टू डी पावर x रहेगा, तो अब बट्टा में उतारेगा dx मान लेते, तो ये x उतरा कि ef, यह एक सूत्र है, जैसे मान लेते हैं आपके पास, चलिए यहाँ पे समझिए, अगर जो साइन एक्स के पावर थोड़ा सा देर के लिए कॉस एक्स अगर दे देते हैं, तो यहाँ पे अगर जो आपसे कोई कहेगा नहीं हम साइन एक्स उतारेंगे, कोई कहेगा नहीं सर साइन एक्स के पावर अगर जो कॉस एक्स है तो हम कॉस एक्स उतारेंगे चैनल तोड़ते वक्त। अब यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्यों है कि आपको चैन रूल की सहायता से, तो आपको तो ये बताया गया कि जो वेरिएबल होता है उसी को बट्टा में उतारना है, चैन रूल के आधार पर चैन रूल के अकॉर्डिंग, तो आप लोग ये समझते हैं कि जो वेरिएबल आता है उसको बट्टा में उतारा जाता है, जैसे यहाँ पे 5 कॉन्स्टेंट था उसको छोड़ दिया गया और वेरिएबल को बट्टा में उतार दिया गया। अब यहाँ पे क्या देखना है कि sin x के पावर cos x है, तो यहाँ पे तो sin x भी वेरिएबल है, तो कुछ स्टूडेंट कहेगा सर sin x को ले लीजिए, और यहाँ पे देख रहा है कि cos x भी क्या है वेरिएबल है, तो कुछ स्टूडेंट कहेगा कि सर cos x को ले लीजिए, तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि इसको बोला जाता है वेरिएबल के पावर वेरिएबल, क्या बोला जाता है वेरिएबल के पावर वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तो उसका चैन रूल नहीं टूटता है, याद कर लीजिए, दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, भेदा में इस बात को घुसा लीजिए कि अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा क्या होगा, वेरिएबल के
पावर वेरिएबल होगा तो इस फंक्शन का चैन रूल नहीं तोड़ा जाता है। तो चैन रूल नहीं तोड़ा जाता तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर इसका चैन रूल नहीं तोड़ा जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा जो आज आपको हम सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आइए हम इसका डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए समझिएगा। चलिए हम इसके डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करते हैं। किसके डिफरेंशिएशन के बारे में? पावर वाला फंक्शन का, जिसका वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा उसी के डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों को आज चर्चा करना है और हम चर्चा भी करेंगे। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे अहम बात क्या है इसमें कि इस पावर को हटाना, क्या है पावर को हटाना। अगर ये पावर हट जाएगा तब तक इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर नहीं हटेगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं होगा, है ना। तो इस पर एक छोटा सा स्टोरी, उस स्टोरी को आप समझिए। देखिए जैसे आप लोग सुने होइएगा कि बाली का जो पावर था वह राम जी से ज्यादा था, तो फिर कैसे बाली को राम जी मार दिए, समझ रहे हैं ना। तो वहां पे आप लोग सुने होइएगा कहानी के अनुसार कि राम जी जो है ना छुप के वार किए, क्या किए छुप के वार किए। तो वही चीज वही काम यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा, इसमें हमको छुप के कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा जो समझिए, इस क्वेश्चन में दोनों तरफ पहले हम लोग लॉक लगाएंगे, क्या करेंगे लॉक लगाएंगे। कहने का सेंस हो गया कि अगर जो कोई भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा तो उसमें पावर को हटाने के लिए उसमें हम लोग कौन चीज लगाएंगे लॉग लगाएंगे। तो यहां से लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे टेकिंग टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ आप लॉग लगाइए। तो लॉग जैसा ही लेते हैं तो आपको इधर हो जाएगा लॉग वाई, आपके पास इधर हो जाएगा लॉग, जो क्वेश्चन रहेगा उसको लिख दीजिएगा लॉग एक्स के पावर क्या हो गया कॉस। समझ में आ रहा है ना, जैसे लॉग लिख के जो क्वेश्चन आएगा उसको लिख दीजिएगा। आप जानते हैं कि भाई जो पावर वाला रहता है वो गुना में चलाता है, तो लिख दीजिएगा लॉग वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा कॉस एक्स इनटू में लॉग लॉग एक्स, क्या हो जाएगा लॉग लॉग एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स इनटू में क्या हो जाएगा लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। तो अब आपको क्या समझना है जो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा अब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी लॉग वाई बाई डी वाई गुणे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको यू इंटू वी पर तोड़िएगा, तो यू इंटू वी पर तोड़िएगा कॉस एक्स को छोड़ेंगे डी लॉग लॉग एक्स बाई यहाँ पे लॉग को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स गुणे कितना d log x by d plus u into v पर तोड़ रहे हैं, इसको u माने हैं इसको v माने हैं, समझिए समझिए बात को, इसको u माने हैं इसको v माने हैं, तो u को छोड़े हैं v का डिफरेंशिएशन, जैसे चैन रूल टूटता है वैसे तोड़ दिए। फिर अब इसको छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे log log x को छोड़ेंगे, यहां पे डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो d cos x by dx। अब देखिए समझिए log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 by y into में कितना है dy बटा dx equal to यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 by x, log x का जो डिफरेंशिएशन है वह कितना हो जाएगा 1 by x, तो log x के 1 by x, तो 1 by कितना log x, देखिए cos x को छोड़े हैं 1 by x के जगह पर कर दिए log x ना, तो 1 by x, तो फिर log x के 1 by x plus अब यहाँ पे आ जाइए तो फिर हो जाएगा कितना log log x और cos x का कितना माइनस साइन x, ठीक है। अब देखिए हमको वैल्यू किसका निकालना था dy बटा dx का, तो इसीलिए लिख दीजिएगा dy बटा dx इक्वल टू y y इनटू में क्या लिख दीजिएगा cos x by x log x माइनस साइन x को शुरू में ले आइएगा और साइन x इनटू में कितना log log x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आपको एक और काम क्या कर लेना है y का वैल्यू डाल दीजिएगा, y का जो वैल्यू है वह डाल दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसी टाइप से काम, इस पर हम आपको दो से चार एग्जांपल और बताते हैं, इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, आपको पहले इसी पर दो चार एग्जांपल बताते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा।
चलिए समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर एक और देते हैं, जैसे y equal to x के पावर x, एक और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को देखने से ही लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यह ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो समझिए। देखिए समझिएगा, y equal to क्या है, x के पावर x, हम देख रहे हैं a भी x वेरिएबल है, a भी x क्या है, वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, और हम आपको बताए थे कि अगर ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लॉ का, इसीलिए इसका नाम रखा गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें आप लोग देखिएगा, समझ रहे हैं ना, कि ज्यादा से ज्यादा जो भी मतलब कहने का सेंस है कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है वो आपको वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला नहीं दिया जाता है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें दो या तीन फंक्शन को डाल के लॉ का यूज करना रहता है। यह चैप्टर आपका लॉ में लिया हुआ है, इसमें कहने का सेंस है कि लॉ का यूज करना है, लेकिन वो बात छोड़ दीजिए, आपको वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल रहेगा तो उसमें लॉग लगाना अनिवार्य, लॉग लगाना एकदम अनिवार्य, एकदम नेसेसरी है, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो देखिए इधर समझिए, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, x के पावर x है, इसमें लॉग लगाएंगे, क्यों लॉग लगाएंगे, क्योंकि वेरिएबल के पावर क्या है, वेरिएबल है। तो चलिए पहला काम कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा टेकिंग, क्या लिखिएगा, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ पति लगाने पर लॉग लगाने पर, लॉग जैसे ही लगाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x के पावर x, समझ रहे हैं, पावर आ जाएगा गुना में तो आपके पास हो जाएगा कितना, लॉग y इक्वल टू x लॉग x, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d लॉग y बाय कितना है, डी वाई इंटू में कितना है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये भी इनटू की पर करिएगा, तो x को छोड़िएगा d log x y dx, आप प्लस में फिर किसको छोड़िएगा, log x को छोड़िएगा dx by dx, ठीक है। अब चलिए आइए, log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 by y इनटू में कितना dy बटा dx इक्वल टू में कितना x, log x से कितना 1 by x प्लस में कितना log x, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा कितना dy बटा dx इक्वल टू ई वाई उधर जाएगा, तो y यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1, 1 प्लस log x, y का वैल्यू डाल दीजिएगा, तो y का वैल्यू x के पावर x इनटू में कितना 1 प्लस log x, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट इस आंसर को कभी कभार देखिए बढ़ाया हुआ है, कैसे बढ़ाया हुआ है जो समझिए, इस आंसर को कभी कभार बढ़ा देता है, तो याद रखिएगा कैसे बढ़ाते हैं, जो आपको हम समझाते हैं, देखिए x के पावर x को तो रहने ही देता है, अब 1 के जगह पर क्या लिख दिया रहता है, log e, अब कहिएगा सर e कैसे लिख दिया, तो log e का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्यों, क्योंकि नहीं है बेस में कुछ होता क्या रहता है, e रहता है, और e बेस पर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, अब प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, log x, क्या होगा log x, तो देखिए log m प्लस में log n, तो x के पावर x का log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m into n, तो इसको लिख दिया जाएगा log e, क्या लिख दिया जाएगा log, तो या तो आंसर बुक में इतना दिया होगा या आंसर बुक में इतना दिया होगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन नंबर अभी आपको हम बताए थे y equal to x के पावर x का, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, अभी आप लोग को 3 नंबर ही क्वेश्चन पर अभी आपको स्टॉप किया हुआ है, एक दो एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं, y equal to sin x के पावर x, देखिए इसी टाइप का ज्यादा क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन बना लीजिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाने आएगा तो समझ लीजिए इस चैप्टर में अपना काम है, इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो क्यों नहीं हम इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, y equal to sin x के पावर x, अब देखिए सबसे पहला चीज तो लॉग लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग नहीं लगाएंगे तब तक बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए लीजिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो आइए हम पहले लॉग का यूज करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ
साइड लॉग, मतलब दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो लॉग जैसे ही लगाइएगा तो लॉग वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स के पावर एक्स हो जाएगा। आपके पास कितना है, लॉग वाई पावर वाला को गुना में कर दीजिए तो एक्स लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स लॉग साइन एक्स, है ना। अब देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी लॉग वाई बाय डी वाई इंटू में कितना है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इसको यू इंटू वी पर करिएगा तो एक्स को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, एक्स को छोड़ेंगे, और लिखेंगे कितना, डी लॉग साइन एक्स बाय डी साइन एक्स गुणे डी साइन एक्स बाय डी, समझ में आ रहा। अब देखिए समझिए, प्लस फिर जो है यहाँ पे लॉग साइन एक्स, हम लोग क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स को क्या करेंगे, छोड़ेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखिए log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 by y इनटू में कितना हो जाएगा, dy बटा dx इक्वल टू, देखिए x log x के कितना होता है, 1 by x, log x से कितना होगा, 1 by x से लिख लेंगे, 1 by कितना sin x, और sin x से कितना होगा cos x, प्लस log x तो log sin x लिख दीजिए, log sin x लिख दिए, और x का डिफरेंशिएशन 1, हमको वैल्यू किसका निकालना है, dy बटा dx का, तो लिखेंगे इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू y, देख लीजिए x का cos y sin को हम cot लिख देते हैं, तो x cot x का प्लस में क्या हो जाएगा, log sin x बराबर y का वैल्यू डाल दीजिएगा, तो y का वैल्यू क्या है, sin x के पावर क्या है, x sin x के पावर कितना है x, इनटू में क्या हो जाएगा, x cot x प्लस में कितना हो जाएगा, log sin x, यानी आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या समझ में आया। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो आप लोग इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सब बनेगा, समझना ना। तो हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा वैसे, तो हम फिर अगला क्वेश्चन समय जो कल के सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। अगर आपको सेशन अगर भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, और कोई भी अगर जो आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी आपका फ्रेंड्स है जो 12th क्लास में या 11th क्लास में है तो उसको इस चैनल के बारे में बताइए, उसको मोटिवेट कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यहाँ पे हर एक उसको वीडियो, हर एक टॉपिक का उसको लेक्चर मिल जाएगा, जिसको देख कर वो घर बैठे एग्जाम का, इंटरमीडिएट क्लास का तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर उसको बताइए। तो हम आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, सेशन में आप लोगों को बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।